हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कई बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा इसमें। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस तरह से चीटिंग कर लेंगे, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में इस तरीके को यूज़ करके चीटिंग कर लेंगे, तो किस तरह से आपको ये सब काम नहीं करने हैं और किस तरह से आपको पकड़ा जा सकता है चीटिंग करते हुए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लेता हूं। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एक टैब हम मोबाइल में खोलेंगे और उसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और दूसरे टैब में हम गूगल खोल लेंगे, उसमें हम गूगल सर्च कर लेंगे और उसी से आंसर सर्च करके जो है वो हम आंसर दे देंगे। तो देखिए, भूल से भी ये काम मत करिएगा, क्योंकि जो ऐप है इमेज प्रॉक्टरिंग ऐप या जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे, वो इस बात में सक्षम है कि वो ये टेस्ट कर सकती है कि आपके मोबाइल में कोई और टैब तो नहीं खुला हुआ है। और जैसे ही कोई और टैब आप खोलेंगे या किसी और टैब पे जाएंगे आप, तो उस सेम उसी टाइम पे जो है वो आपको वार्निंग इश्यू हो जाएगी। तो जिसकी काउंटिंग के लिए पहले मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आप उसको चैनल पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस के बाद फिर आप जो है वो पेपर में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ कभी भी भूल के मत सोचें कि आप जो है वो सेम मोबाइल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए उसी मोबाइल में गूगल सर्च में दूसरे टैब में जा कर के गूगल सर्च कर सकते हैं और उससे आंसर देख सकते हैं। तो ऐसी भूल कभी भी ना करें। देखिए, दूसरा जो है क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं अक्सर कि क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप अपने मोबाइल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसकी स्क्रीन को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी एप्लीकेशंस के थ्रू आपने अपने फ्रेंड जो कि बगल में कमरे में बैठा है या आपके साथ कमरे में थोड़ी दूर पे बैठा है और वो स्क्रीन आपकी देख सके, इस तरह के ऑप्शंस को चूज़ करा आपने और फिर वो स्क्रीन में देख करके आपको वहाँ से आंसर इशारा कर दे और आप उसको जो है वो अपनी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लें, तो इस तरह की चीज़ क्या की जा सकती है। कई बच्चों के दिमाग में इस तरह की भी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिए स्क्रीन शेयरिंग को भी जो है ये ऐप डिटेक्ट कर सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कभी भी भूल करके इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन बच्चे सोचते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। जो आजकल के मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन होता है, मतलब एक ही सेम मोबाइल में आप दो तीन स्क्रीन खोल सकते हैं। तो ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, लेकिन आपका जो ये ऐप है एग्ज़ाम का, ये इस बात को भी डिटेक्ट कर सकता है कि एक टाइम पे कितनी आपकी जो है वो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं। तो क्योंकि ये ऐप चलेगा तो कोई और एप्लीकेशन नहीं चलेगी, आप ये ध्यान रखें इस बात का। तो स्प्लिट स्क्रीन को भी अगर यूज़ करेंगे तो ये ऐप उसको डिटेक्ट कर सकता है, तो इस चीज़ को भी कभी भी भूल करके भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि कैमरा को हम जो है वो कुछ देर के लिए ऑफ़ कर देंगे, या माइक को हम ऑफ़ कर देंगे, या माइक की आवाज़ को उसकी सेंसिटिविटी को हम लो कर देंगे, ताकि जो हम बातचीत करें अपने दोस्तों से कमरे में बैठ करके, वो बातचीत माइक से ना पहुँचे प्रॉक्टर के पास। तो ये ऑप्शन भी देखिए उसमें है कि अगर प्रॉक्टर के पास आवाज़ नहीं पहुँची या माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी आपने कम की, तो इसका पता जो है वो प्रॉक्टर को चल जाएगा और वो आपसे जो है वो इस बात के लिए या तो कह सकता है आपसे कि माइक को क्यों आपने लो पे रखा हुआ है, या फिर वो आपको वार्निंग इशू कर सकता है, या फिर आपको पेपर में थोड़ी देर के लिए जो है वो बैन कर सकता है। मतलब 5 मिनट के लिए आपका टेस्ट रोक सकता है या 10 मिनट के लिए टेस्ट रोक सकता है, किसी भी तरह के मतलब पनिशमेंट तुरंत भी दे सकता है और बाद में आपको ये पनिशमेंट्स जो हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता है हायर अथॉरिटीज़ को, जो कि बाद में डिसीज़न लेंगे कि आपके साथ क्या किया जाए। साथ ही साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि हम लोग 4-5 जो हैं वो दोस्त हैं और एक साथ एक कमरे में बैठ जाएं और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर जब आएगा चारों लोग अपना अपना मोबाइल लिए रहेंगे और फिर सॉल्व करते रहेंगे, तो एक साथ बैठने से ये हो जाएगा, डिस्कशन भी हो जाएगा, या फिर इशारे करके एक दूसरे को बता देंगे चलिए बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो माइक्रोफोन से पकड़ लेंगे, तो हम लोग आपस में इशारे करके बता देंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ भी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो प्रॉक्टर जो नज़र रखेगा आपके ऊपर, वो कभी भी आपसे जो है वो मोबाइल को 360 डिग्री रोटेट कराने के लिए कह सकता है और आप इस चीज़ को मना नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो अगर उसने ये कह दिया कि आप अपने मोबाइल को या जो भी
डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको 360 डिग्री रोटेट करिए, तो आपको वो चीज़ कमरे में तुरंत घुमानी पड़ेगी इधर से उधर, और उस टाइम पे अगर कोई और भी बैठा है आपके पास तो फिर वो प्रॉक्टर की नज़र में आ जाएगा, और इस वजह से आप जो है वो फिर से आपको वार्निंग मिलेगी या आपका पनिशमेंट मिल सकता है, टेम्परेरी आपका टेस्ट 5 या 10 मिनट के लिए रोका जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ भी भूल करके ना करें आप। इसके अलावा एक और चीज़ जो बच्चे सोच रहे हैं कि वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद अभी जैसे मान लिया उन्हें नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे पहुंच गए, और तब तक क्वेश्चन नंबर 1 उनका कोई पड़ोसी साथ में बैठा है, उसने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया सर्च कर लिया, और उसने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन, या उन्होंने कहीं से किसी फ्रेंड से पूछ लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है, तो जब आप अपने ऐप में दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 को खोलोगे तो आपको जो ऑप्शन पहले नज़र आया था वो ऑप्शन जो है वो शफल कर दिए गए होंगे। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने पहली बार खोला था तो जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी थे, जब आप दूसरी बार क्वेश्चन नंबर 1 को खोलोगे तो वो ऑप्शन ए बी सी डी जो है वो शफल हुए मिलेंगे, यानी कि सी ए की जगह आ सकता है, डी बी की जगह जा सकता है, बी डी की जगह जा सकता है, और इस तरह से अगर आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं है डिटेल में, केवल आप ऑप्शन पूछा है आपने कि सी सही है, तो फिर आपका क्वेश्चन वो सी पे टिक करेंगे जैसे ही आपका, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए चीटिंग ना ही करें। तो सारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर जो है वो मैंने कर दिया है जितने आप लोगों के दिमाग में आ रहे थे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सारी समस्याओं का समाधान यही है कि आप जो है वो चीटिंग के ऊपर ध्यान न दें और अपनी तैयारी करते रहें। देखिए थोड़ा सा टाइम और मिल गया है आपको, जो चीज़ें आपकी अच्छी से तैयार नहीं थी उनको आप और अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप ढंग से क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे तो वो इतना टफ नहीं आएगा पेपर, ठीक है ना। जब आप केवल कुछ पढ़ेंगे ही नहीं और केवल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या चीटिंग करने में दिमाग रहेगा, उसके चीटिंग के तरीके सोचने में दिमाग रहेगा, तो फिर वो आपको पेपर बिल्कुल टफ नज़र आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो अपने आप मिलते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसमें बताई गई बातों का फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।